दोस्तों रोज़ की तरह आदमी लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज का शुभ पंचांग, आज का पंचांग 25 मई 2024 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन जो है दोस्तों शनिवार। आज ज्येष्ठा योग का संयोग रहेगा और जहाँ तक आज शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त पर दोस्तों 11:51 से 12:46 तक राहु काल, जिस दौरान किसी प्रकार के कार्य करने से जो है अपना समय का अंकन करना ज़रूरी है। 8:52 से 10:35 तक किसी प्रकार के भी शुभ कार्य करना वर्जित है। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:04 से 4:45, अमृतकाल 1:38 से 3:36 तक अमृतकाल है। विजय मुहूर्त दोस्तों 2:35 से 3:30 तक। और आज का सूर्योदय दोस्तों 5:26 पर सूर्योदय और 7:11 तक सूर्यास्त। तो दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि शनिवार की प्रकृति दारुण है और यह भैरवनाथ और शनि देव का दिन माना जाता है। समस्त दुखों कष्टों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार का उपवास व्रत और शनि की पूजा, शनि पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। शनि हमारे जीवन के अच्छे कर्मों और के पुरस्कार दाता है, वह बुरे कर्मों के दंड के बुरे कर्मों से दंड हमको देते हैं। तो शनिवार का दिन शनि को इसलिए समर्पित है दोस्तों। शनिदेव हमारे जीवन के किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले होते हैं और शनिदेव की विधिवत पूजा से जीवन के कष्ट से हमको छुटकारा मिलता है और पूजा पाठ उपासना करने से अनेक प्रकार के रोग हैं, कष्ट हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलती है और कठिन परिस्थितियों में भी दोस्तों हमारी रक्षा शनिदेव करते हैं। और शनि जो हैं फलों के दाता हैं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे फल देने वाले हैं और जिस अनेक प्रकार के शनि की साढ़े साथी प्रत्येक जातक के जीवन में 3 अवश्य आती है दोस्तों। तो शनि की ढैया या साढ़े साथी आने पर अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अगर किसी जातक के जीवन में शनिवार अशुभ फलदाता होता है तो अनेक प्रकार के शनि की पूजा, ध्यान, दान और जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, उनको दान पुण्य करके शनि की उपासना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनि भगवान को तेल अर्पित करके और शनि देवता का पूजन पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। कलयुग में दोस्तों शनि और हनुमान जी का वास माना गया है और ये कलयुग के पूज्य देव हैं। तो विधिवत पूजा अर्चना, शनि पाठ और शनि मंत्र जाप करने से ओम शम शनिश्चाय नमः, पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाकर परिक्रमा कर तेल चढ़ाना चाहिए और इस दिन लोहा और नमक खरीदना, तेल खरीदना वर्जित है और नहीं करना चाहिए। काले रंग का दान और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सुंदर कांड का पाठ शनि दोष से मुक्ति का क्या द्योतक है। हमारे हिंदू साहित्य के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता माने गए हैं। तो दोस्तों इस दिन बुजुर्गों को, असहायों को, दीन दुखियों को, प्राणियों को और की सेवा करने से शनि दोष दूर होते हैं और किसी का अनादर दुर्व्यवहार कभी किसी से नहीं करना चाहिए और काले कुत्ते को इस दिन कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, वह शनि दोष को दूर करने का कारक है। और इस दिन दोस्तों खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। खिचड़ी से हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है और उसका
वह समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो शनिदेव की पूजा के दिन दोस्तों और खिचड़ी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य के निर्माता हैं और कर्म से हमारा भविष्य उज्जवल होता है और सृष्टि में दोस्तों हरेक प्राणी इस संसार में अपने अपने कर्म भाव में कर्मने वा अधिकार उसको माफ करो कदाचन। तो कर्म जैसा करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। इस संसार में देखो गुणो भूषते रूपम शीलम भूषते कुलम सिद्धियं भूषते विद्यां भोगो भूषते धन। यानी जिस प्रकार अनेक चीज़ की अलग अलग शोभा होती है, हम अगर गुणों अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारे जीवन की तो कहा है गुणों भूषते रूप, गुणों से जो है रूप की शोभा होती है। और शीलं भूषते और शील और सदाचार की शोभा जो है कुल से होती है। और सिद्धिं भूषते विद्या, विद्या की शोभा जो है सिद्धि प्राप्त करने से होती है। भोगो भूषते धन, और धन की शोभा जो है भोग करने से होती है, शुभ चीज़ों में भोग करना। तो शनिदेव का मतलब है कि दोस्तों इस प्रकार हमारे अपने कर्तव्यों के अनुसार किसी न किसी कार्य में हम लगे रहते हैं, अपने गुणों को सद्गुणों के होने से सद्कर्म करने से हमारा जीवन अच्छा होता है। किसी न किसी कार्य में हमारा जीवन प्रत्येक प्राणी लगा रहता है तो कर्म ही प्रधान है। तो अच्छे कर्मों से हमें भय और दोषों की मुक्ति मिलती है और अच्छे भावों का जन्म होता है। और बुरे कर्मों से हमको अनेक प्रकार के दंड मिलते हैं, हमको सजाएं मिलती है, हमको पश्चाताप करना पड़ता है। जिस प्रकार रावण ने के बुरे कर्मों से रावण को जीवन में हमेशा पश्चाताप, जब उसका अंत हुआ तो उन्हीं खराब कर्मों के कारण उसको पश्चाताप करना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और रावण जो है अनेक प्रकार के नाटक करके जो है सुबेर पर्वत जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण जहाँ पर अपना अखाड़ा जमाया था, उस अखाड़े पर रामचंद्र जी बाण मार करके पूरे अखाड़े को जिस प्रकार से तहस नहस किया तो रावण बहुत ही भयभीत हो गया। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, एक और जहाँ मंदोदरी के कर्णपुल कहीं चले गए और वहाँ पर जिस प्रकार का ऐसा तांडव हो रहा था कि उस तांडव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भीष्म ने बताया कि रावण की का जो है अखाड़ा है, इस अखाड़े में अनेक प्रकार की नृत्य और इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ पर एक बाण मारा, उस बाण से ही वहाँ का सब वातावरण जो है पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया। तो तब रामचंद्र जी के स्वरूप को, उनके दिव्य स्वरूप को देख करके उन पर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तेज है उस तेज का वर्णन करके मंदोदरी जब रावण को सोचती है कि इनका ये आप किसी भी भाव से मानने वाले था, तो मंदोदरी अनेक भावों से जो है रावण को समझाती है। कल के प्रसंग में था रामचंद्र के बारे में कहती हैं, दास उभ्रान अश्वनी कुमार निशी अरु दिवस निमिष अपारा सुवन दिशा वसुवेद बकानी माधु दुष्पानी। तब वह कहते हैं कि अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है और रात और दिन जिनके अपार निमिष है, पलक मारना और खोलना और दसों दिशाएं उनकी कान हैं, वीर ऐसा कहते हैं, हमारे वेदों की मर्यादा इसकार करती है कि वायु उनकी सांस है, वेद उनकी पाणी है। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर करना तुम्हें नहीं शोभा देता है। अधर लोभ तुम दरन कराला, दर्शन कराला माया हास बाहुदिपाला, आन अनल अमुपति बिहा उत्पति पालन प्रलय समीहा। यानी लोभ जिनका आधार होंठ है, एक एक इंद्री का एक एक अंग का वर्णन करते हुए रामचंद्र के स्वरूप का जो दिव्य आभा है, विशाल शरीर है, उस शरीर का वर्णन
रावण को समझाती हैं, बुझाती हैं, उसके संज्ञान में लाती हैं। मंदोदरी जी को अपने सुहाग का डर है, अपने अस्तित्व की चिंता है और अपनी प्रजा की चिंता है। तो लोग जिनका आधार होंठ है, और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का एक अंग किस प्रकार से बलशाली है, कौन सी शक्तियाँ उनमें हैं। तो इस शक्ति को वह रावण को पूर्ण रूप से वृतांत करके मंदोदरी के रूप में उनको समझा रही हैं, रावण को समझा रही हैं। माया उनकी हंसी है और दिक्पाल भुजाए हैं, अग्निमुख है और वरुण जीव है। तो उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। तो रोम राज अष्टादश भारा अस्थिशैल शैतान सुधारा उदर उदय अधरोज रातना जगमय प्रभु का भूकल्प। यानी 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जो हैं जिनकी रोमावली है, जिनके शरीर में लगी है। तो ऐसे दिव्य रूप को पर्वत जिनकी अस्थियाँ हैं, पर्वत के समान जिसका पर्वत की श्रृंखला होती है वैसे उनकी अस्थियाँ हैं। नदियाँ नसों का जो नदियाँ बहती हैं, अनेक प्रकार की नदियों का संचार होता है, वह उनकी नसें हैं और यानी उनकी तंत्रिका तंत्र हैं। और समुद्र में अनेक प्रकार की अच्छे बुरे हर प्रकार की चीज़ें समाहित हो जाती हैं, वह परमात्मा में जो है समाहित हो जाती हैं, ऐसा उनका पेट है। और नरक उदत उदत उद्गो यातना जगमय प्रभु का भूख कल्पना। यानी नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं, जितनी भी नरक की वाली चीज़ें होती हैं, जो नीचे से हमारे जो है हम जो प्राप्त करते हैं, जो खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, वह जो है नरक के रास्ते निकल जाता है। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अनेक प्रकार से उनके रोम रोम का वर्णन करते हुए मंदोदरी थकती नहीं है। अधिक कल्पना उभा को ज्यादा में कल्पना क्या कर सकते हैं, क्या आपको समझा सकते हैं। अहंकार से विद्व बुद्धि अश्व अजो मन शशि चित्त महान। अहंकार जिनका शिवजी जिनकी जिनका अहंकार है ब्रह्मा, यानी शिव जिनका अहंकार है, अहंकार शिव बुद्धि अज और ब्रह्मा के ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, मन शशि चित्त महान। और मन जो है वह चंद्रमा है और चित्त जो है विष्णु के समान है। मनुज बास सचराचर, उन्हीं सचराचर भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में इस संसार में इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। इस सृष्टि में चौर अचर जीवों का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अस विचार सुन प्राणपति प्रभूषण भय, यह हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर और श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, और जिससे मेरा सुहाग नदाय मेरा सुहाग अमर रहे। इस प्रकार से प्रभु से वैर करना आपको शोभा नहीं देता है। प्रभु के हरेक अंग में जो है परमात्मा का निवास है, वह मानव रूप में इस संसार में अवतरित हैं, उनसे वैर करना तुमको शोभा नहीं देता है। तो अनेक प्रकार से तब रावण जो है मंदोदरी की इन बातों को सुन करके कहता है, भैंसा नाज बसुर सुनिकाना अहो मोह महिमा बलवाना। तब वह हंसते हुए कहता है कि नारी स्वभाव शक्ति में कहूँ अवगुण आशा। नारी के स्वभाव में 8 जो है अवगुण रहते हैं, जो हमेशा के लिए संसार में विद्यमान रहते हैं। तो साहस अनंत चपलता माया भय अविवेक शोधता है। यानी साहस है, झूठ है, चंचलता है, माया है, यानी छल जिसको कहते हैं, भय है, और अविवेक है, अपवित्रता और निर्दयता ही स्त्री के स्वभाव में हमेशा विराजमान रहते हैं। उन्हें शत्रु का समय विराट रूप गाया, जिस प्रकार से शत्रु का बखान किया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया और मुझे भयभीत किया, तो अब तुम डरपोक हो गए हो। और ये इस प्रकार के 8 अवगुणों के कारण तुम्हारे अंदर सभी 8 गुण जो हैं वो अवतीर्ण हैं। रावण ने मंदोदरी की एक भी बात को सुना, लेकिन सुन करके उसका किसी का भी संज्ञान नहीं था।
सो सब क्रिया सहज बस मोरी समुझ धरा विशाल अपूरी। तो कहते हैं कि वही रावण कहता है कि हे प्रिय, वह सब जो चराचर विश्व के बारे में तुम बता रही हो वह स्वभाव से ही मेरे बस में है, मैंने उनको सबको बस में किया है। तब वह कहता है कि सारा संसार मेरे बस में है, तेरे कृपा से मुझे यह सब समझ पर आया, देव धनुज जो हैं सब मेरे बस में है बोलता है। और जानिए प्रिया तोर चतुराई, मैं तुम्हारी चतुराई में समझ गया हूँ और यही विधि करूँ मोर क्रोताई, इस प्रकार तो इसी बहाने मेरी क्रोता मखान कर रहे। तो तब बतकहीं गूढ़ मृगलोचनी समुझ दुखर सुंदर भय मोचनी मंदोदरी मन मह्या उठायूँ यही काल बस में। तब मंदोदरी को अंदर मन से यह सूझ होता है मृगनेनी जो अच्छे विचारों को सोच रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बैर न करने के लिए अनेकों बार मंदोदरी ने बताया। जब अंत समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यानी लंका में प्रवेश कर जाते हैं, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमय हैं और समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली, ऐसा राम कहता है। और मंदोदरी के मन में अब यह निश्चय हो गया, पक्का उनके मन पर अब रावण जो है किसी भी भाव से सुनने वाला नहीं है और पति को अब निश्चित ही है रावण जो है मेरा पति जो है वह काल के वश में है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और परमात्मा जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मुक्ति कर ले रहते हैं। तो इसकी मति जो है हरी गई है, ये विधि करल विनोद बहु काल बगल सहज असंग लोग पति लंक पति सवाल। तब इस प्रकार जो है ज्ञान वश बहुत से विनोद आमोद प्रमोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। समझाते बुझाते तब स्वभाव से निडर था, अहंकारी था और जिद्दी था और घमंड में अंधा हो गया था और लंकापति सभा में चला गया। तो फूल फरें बीत गई सुधा बरें बल, यानी जद भी सुधा बरसई चल गई फूल फलें बल। और कहते हैं कि दोस्तों यदि भी बादल अमृत का सारा जल बरसाते हैं तो भी बैंत फूलता फूलता नहीं, कितना भी अगर जो कोई अगर किसी आदमी में अगर ज्ञान को सुनने की शक्ति नहीं है उस पर कितना भी ज्ञान का संचार करो तो उसको उसके संज्ञान में कुछ भी नहीं आता है। जैसे बैंत जो है पानी डालने पर भी बैंत बिल्कुल फूलता नहीं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो गुरु मिले ही विरंची समा मोरक हृदय से, जो यानी ब्रह्मा के समान भी अति गुरु मिल जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्मा के समान भी अगर गुरु का आशीर्वाद किसी को हो जाता है, अगर वह उसकी मूर्ख बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि में कोई तर्क नहीं होता है, कोई समझने की शक्ति नहीं होती है, पावर समझने का शक्ति नहीं होती है, पावर नहीं होती है, तो वह मूर्ख हृदय में चित अपना चित चेतना को जगाता है। यही भाव जो है रावण के अंतःकरण में आया। और तब विद्वान प्रशस्ति लोके विद्वान गच्छति गौरवम और विद्या सम्रति सर्वं विद्या सर्वत विद्यन्ते। तो विद्या को सर्वदा पूजा जाता है, लेकिन रावण न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणी न मन्यते भावे ही विद्यते देवस्ताद भावो ही काल। तो स्वयं कर्म कर आत्मानं स्वयं तत्फलं उमच्यते और स्वयं भ्रमति संसारी और स्वयं तस्माद विमोचते। तो इस प्रकार के रावण जो है इस प्रकार के अपने अहंकार में जब डूबा हुआ था तो उसका क्या प्रतिफल उसके जीवन में होता है, इस बारे में जो है अनेक प्रकार के प्रकरण हैं और अनेक प्रकार के भाव आते हैं और रावण को क्या ज्ञान नहीं खुलता है। तो प्रभु की उपासना का जो रहस्य है वह मंदोदरी को अच्छी प्रकार मालूम था और उनके हरेक हरेक क्षण का प्रत्येक प्रत्येक शरीर के अंग का जैसे वह वर्णन करते हैं। तो परमात्मा की उपासना के लिए विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए गए हैं। तो एक साधारण साधक जिस प्रकार उपासना करे कि वह प्रभु के निकट पहुंच सके,
तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय सुझाए गए। उनमें सर्वप्रथम है अहिंसा। कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति भाव न रखता या प्राणियों से प्रेम रखना अहिंसा है। दूसरा उपाय है इंद्रिय निग्रह, जिसका अर्थ है मन को वश में रखते हुए यानी विषयों और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आशंका नहीं है। तो चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बना जा सकता है। जिस प्रकार मंदोदरी इस प्रकार की बातों को सोच रही थी, तो तीसरा मार्ग है दोस्तों प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, अहिंसा परमो धर्म, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना। और यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चाहते थे, इसीलिए वह बार बार दूध भेज करके अनेक प्रकार के भावों से उसको रावण को समझाने का प्रयास करते हैं और दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चौथा मार्ग हमारे जीवन का है द्रोह क्षमा। अगर रावण से कहा गया, मंदोदरी ने कहा कि आप क्षमा मांगे, दया भाव छोड़िए और परमात्मा के शरण में जाइए, तो कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषण, जो वीर लोग होते हैं उनका आभूषण होता है क्षमा। तो अर्थात क्षमा वीरों की शोभा होती है और हमें क्षमाशील और क्षमाशील बनना चाहिए। पांचवा मार्ग है ज्ञान। गीता में कहा गया है दोस्तों, नहीं ज्ञानीन सदसंग पवित्र पवित्र मही विद्यते, यानी अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन नहीं है। तो मंदोदरी ऋषि ज्ञान से रावण को, रावण के ज्ञान के संसार से रावण को सदमार्ग मानने की प्रयास कर रही थी। हमें इसीलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य असत्य धर्म अधर्म और पाप पुण्य कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक जागृत करना अपने अंतःकरण में चाहिए। अगर रावण अपने अंतःकरण में विवेक जागृत कर लेता तो उसका अंत नहीं होता। तो दोस्तों इसके अलावा मार्ग दोस्तों पवित्रता का है। पवित्रता या शौच दो प्रकार की होती हैं, बाह्य और आंतरिक। तो जल से शरीर और वस्तुओं को थोड़ा शक्ति से मन की शुद्धि होती है। जल से हम बाहरी आवरण को धोते हैं, अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं और शक्ति से हम अंतरात्मा की शुद्धि करते हैं। तो मंदोदरी ने अनेक प्रकार के सच और असच दोनों भावों को रावण को समझाने का प्रयास किया। तो जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, ये सभी जानते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा मार्ग दोस्तों है ध्यान, जिसका अर्थ है मन और विषयों से रहित हो जाता है। अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, विभीषण ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का ध्यान लगाया, उसी ध्यान के कारण उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। मंदोदरी के मन में भी इस प्रकार की राम भक्ति की थी, अनेक अपेक्षाएँ थी। और ध्यान की अवस्था का नाम समाधि है दोस्तों। और हमें अष्टांग योग के यम नियम और आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार धारणा और ध्यान से समाधि में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अमृतत्व का वरदान दे करके कलयुग के देवता के रूप में प्रकट करके स्वयं जल की समाधि दे करके मानव अवतार से विदा ली। तो दोस्तों सत्य कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो धर्म की नीति यही होती है कि सत्य अगर है तो वह सबसे बड़ा पुण्य है, झूठ अगर है वो तो सबसे बड़ा पाप है। तो सत्य स्वयं प्राप्ति की सीढ़ी है और अहिंसा से लेकर सत्य तथा उक्त
आठों जो मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हुए ईश्वर को अपनी उपासना कर सकते हैं, वही भाव जो है मंदोदरी रावण की पत्नी ने, जो सुलक्षणी थी, अच्छे भावों वाली थी, अपने सुहाग को हमेशा अटल रखना चाहती थी, अच्छे भाव थे रामचंद्र जी के, और रामचंद्र के आठों जो गुण हैं उन गुणों को उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मंदोदरी के इतने प्रयास करने पर भी रावण को टस से मस नहीं हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में यहाँ अपराध जागे रघुराई, पूछा मत सब बुलाई, कहूँ बेग का करिय उगाई, जाम मंत्र का परसुना। तब यहाँ सुबेल पर्वत पर मैं ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब रावण के अखाड़े में इस प्रकार से बाण मार करके उनका बाण वापस आया पूरा ध्वस्त करके वहाँ के वातावरण को, तो प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए। पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ देव का करी उपाय, कि अब क्या उपाय करना चाहिए। रावण जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में होना नहीं चाहता है, वह उसको किसी भी का गुरु मंत्र उसको सूझता नहीं है, वह अहंकार पर अहंकार भाई हुआ है, अपनी मति में भ्रष्ट है, उसकी मति खराब हो गई है। तो अब क्या आगे उपाय करना चाहिए। तब जामवंत का परसुन आई, तब जामवंत जी सबसे बड़े थे, तो उन्होंने छिन्नवाकर परमात्मा को से कहा कि सुन सर्वज्ञ सकल वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राज, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सब अंतर्यामी थे, जानते थे, लेकिन मर्यादा नीति और अनीति के अनुसार कैसे, नीति के अनुसार चला जा अनीति और उल्लंघन उनके जीवन का कोई रूप नहीं था, कोई किसी का भी उल्लंघन नहीं करते थे, किसी का तिरस्कार नहीं करते थे, आदर भाव उनके अंतकरण में था। तो सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धिबल तेज धर्म गुणवासी, यानी हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी प्रभु जी, हे सबके हृदय में बसने वाले, सबके अंतकरण में विराज करने वाले बुद्धिबल तेज धर्म गुणवासी अंतर्यामी हैं, और बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि हैं, अपार भंडार है। मंत्र कहूँ निज मत अनुसार दूध पठाई बालक पारा, तब कहा कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूँ, कि मैं आपसे सलाह लेता हूँ और बाल कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जा। फिर रावण को समझाने के लिए यानी अंगद को भेजने का विचार किया गया और राम मंत्र ने यह विचार रखा, नीक मंत्र सबके मन माना। तो जामंत्र बहुत ही गुणवान थे और नीति की बात जानते थे, मर्यादा के अनुसार चलना चाहते थे, इतना सब कुछ होने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने फिर भी जो है रावण को मौका देने का प्रयास किया, नीक मंत्र सबके उर्माना अंगद सनगम कृपा निहाना। तब यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई, सबको अच्छी लगी, तब कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी अंगद से कहा कि बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, जो बाल के पुत्र हैं बल बुद्धि और गुण के धाम हैं, और नीति जानते हैं, तर्क वितर्क करना जानते हैं, रावण से संवाद करना जानेंगे, और लंका जाहु तातुम कामा, हेता तुम मेरे काम से लंका जाओ, क्यों जाओ, बहुत बुझाए तुम्हें कहा गाऊँ परम शत्रु में जानते, तुमको बहुत समझाना जो है इस समय की जो विडम्बना है, जो समय देश काल परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार रावण को क्या शिक्षा देनी है वह तुम अच्छी प्रकार जानते हो, और परम शत्रु में जानता हूँ तुम शिक्षा में निपुण हो और तर्क वितर्क में निपुण हो, और तुम उत्तर प्रत्युत्तर देना जानते हो, और शत्रु काज हमारा काशित हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण, यानी हमारा भी काम बन जाए और उसका भी कल्याण हो, अगर वह रास्ते पर आ जाता है तो इस प्रकार की बातों को रावण के अंतःकरण में डालें।
तब चरण बंदी अंगद है उठे हूँ प्रभु अज्ञान है शीश राम कृपा जाकर करहूँ सोई गुण सागर। यानी प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके यानी शिरोधारी करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले हे भगवान श्री राम जी सोई गुण सागर ईश राम कृपा जाकर करहूँ। आप जिस पर कृपा करें जिस पर आप दया करें जिस पर आपका आशीर्वाद हो वही गुणों का समुद्र हो जाता है। उसके अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं वो खुद ही अपने तर्क वितर्क में कभी भी नहीं आता उसके उन गुणों का संचार हो जाता है। जिस वह हनुमान जी लंका में गए आपने केवल लंका में उनको भेजा और भेज करके लंका में अपना भी रावण हनुमान के अंदर जो ज्ञान और शक्ति का भाव खड़े हुए तो इस प्रकार दोसो नाथ मोई आदर दिन हो सिद्ध स्वयं सिद्धि सबका। तब वह कहते हैं कि स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो दिवस वहाँ जहाँ राम निवास हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवत रोगुल सदाचर्यायी प्राणदायी पर वचन जायी जिनके अंदर इस प्रकार के भाव हैं स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। और यह तो प्रभु ने मुझको सम्मान दिया है आदर दिया है और मेरे को इस लायक समझा है और असभ्य यानी तन पुलकित हर्षित ही आओ असविचार युवराज और युवराज अंगता हर्षित हो हर्षित होकर शरीर पुलकित हो गया वो प्रसन्न हो गए और उनको अपार हर्ष की अनुभूति हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मुझे भी अपना आशीर्वाद प्राप्त कर दिया है। तो बंद चरण को धरी प्रभुताई अंगर चलूँ सुबह सुनाई तब चरणों की वंदना कर अनुरोध करके वंदना करके और भगवान की पूर्णा हृदय में भरकर अंगद सबको सिर नवाकर अपने से बड़ों को सिर नवाकर चले और प्रभु प्रताप और सहज आशंका और प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके अपने अंतःकरण में धारण करके रण बांकुरा वायुसुत गंगा और रण बांकुरे वीर वायुसुत स्वामी स्वाभिमान ही निर्भय है उनको इतना स्वाभिमान है वह निर्भय है उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है वो आत्मबल है और आत्मबल जिसमें होता है दोस्तों वो अपने आप जो है हर कार्य में उसके लिए संभव भी असंभव भी संभव भी बल हो जाता है। पूर्व सद रावण कर बेटा खेल रहा सो भूल यानी लंका में प्रवेश करते ही जैसे ही अंगद जी ने लंका में प्रवेश किया तो रावण के पुत्र से भेंट हो गई और खेल रहा सो हुई है बेटा और जो वहाँ खेल रहा था और बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया दोनों आपस में विवाद करने लगे बात ही बात करा बढ़ी आई जुगल अतुल बल कतराई और दोनों में अपनी बलवान थे और फिर दोनों को युवावस्था थी दोनों यौवन अवस्था में थे अंगद भी जो है जवान थे और रावण का पुत्र भी बलवान था दोनों की इस प्रकार से मुलाकात हो गई कई अंगद को बात उठाई कई पटवर्षियों घूम बढ़ाई निश्चित निकल देख भर भारी जहाँ तहाँ चले कहीं पुकार तब अंगद ने उसने अंगद पर लाट उठा दी रावण के पुत्र ने और अंगद ने वही पैर पकड़ कर उसके घुमा कर जमीन का पटा कर मार दिया तो राक्षस के समूह भारी योद्धा देख कर जहाँ तहाँ राक्षसों का जो समूह था वो भाग गए अंगद को देख करके और डर के मारे वह जो है डर के मारे पुकार भी मचा सका तो एक एक सन मरम ने कही समझता बढ़ाई दोस्तों जब इस प्रकार का परिवेश आता है तो जो वही परिवेश बन भी जाता है तो एक एक सन मरम ने कही एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बताते हैं वो कौन है क्या कौन नहीं है दोनों के मर्म को भेद को वन बताते हैं तो समझिता सुबह शुभ करी रही उस रावण के पुत्र का बस समझकर जो सच चुभ मार कर यानी उसका वध कर डाला उन्होंने लेकिन वो भी चुप रह गया रावण पुत्र की मृत्यु जानकर भयम कुला हर नगर मझारी आवा कभी लंका भी तो रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय को मारे भागते देखकर तो नगर भर में जो है रावण को इस प्रकार का
एक प्रकार की चेतना थी, उसको संकेत था कि जिस प्रकार हम ऐसा कार्य कर सकते हैं, अब तुम जो है अगर अभी भी नहीं जीते तो कोलाहल मच गया, जिसे दमका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। शंका ये हुई कि हनुमान जी ही फिर आ गए, लेकिन हनुमान के बदले अंगद थे। अब धूं कहा करे करतारा, सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे, अपने अपने मन में सोचने लगे, अरे सभी सब करें बिचारा और विधाता अब न जाने क्या करेंगे। सबके मन में भय पैदा हो गया और अब जो है किस कारण से बंदर आया है, मिनपुर से मगुदेव दिखाई और रावण के दरबार की राह बताए बता देने देते हैं, जैसे जी भी लोग सोई जाए सुखाई और जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सो जाते हैं। यानी उसके स्वरूप को देखकर, अंगद जी के स्वरूप को देख करके सब लोग भयभीत हो गए हैं, डर गए। गयो सभा दरबार दबाओ सुमे राम पद भन सिंहठवन इत उत चितवा धीर वीर। तो श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गए। रावण की जहाँ पर सभा लगी थी, निर्भय और निडर होकर के वो वहाँ चले गए। भगवान मर्यादा का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शक्ति का प्रभाव है। तो वे सिंहठवनी इत उत चितव और वे धीर वीर और बल्कि राशि अंगद सिंह की एन शान में इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ वह देख रहे हैं, निहार रहे हैं और इस प्रकार से जो वह सभा में जो है वह खड़े हो गए। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ने दिलावा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित कराया और सुनल विहज बोला सीसा। सुनते ही रावण हंसकर बोला कि बुला ला उसको, आन हूँ बोल कहाँ कर गीसा, देखें वो कहाँ का बंदर है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस प्रकार का भेद लेने आया है, क्या बात करने आया है। आय सुपाई दूर पहधाई, कभी 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 कुंजर ही बोल ले आई, अंगद जी के दुशालन के जैसे वैसे शहीद प्राण का जल गिर जैसे। यानी आय सुपाई दूर बहु है, तब आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला के लाए और बुलाने के बाद जो है अंगद दी के दशानन वैसे अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त काजल पहाड़। यानी उसके काल उसका नजदीक है, ऐसे ही वह जो है अपशकुनों को देख रहा था अंतर। तो जब आदमी की बुरी दिन आते हैं तो वह बुराइयों को ही ज़्यादा देखता है। तो भुजा बिटब सिर संग समाना, गोमावली लता जंगाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर कंदरा खुदनमा। तब तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि भुजाएं वृक्षों की ओर और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। अंगद के जो हैं भुजाएं जो हैं वृक्षों के समान हैं और सिर जो है वो पर्वतों के शिखरों के समान है। ऐसे दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं और रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, रोमावली लता जन नाना, रोमावली जो है उनके रोम रोम में लताओं का पास दिख रहा है। मुख नासिका नई नरुकाना, गिरिकंद्रा को हनुमान, और मुख जो है मुख और जो मुख है और नाक है और नेत्र है और कान है पर्वत कंद्रा और खोहों के बराबर हो गए। ऐसे स्वरूप को अंगद जी का देख करके गयो सभा मन नेक नमूरा और अत्यंत बलवान बांके वीर बाल पुत्र अंगद सभा में गए प्रवेश किया। बाल इतने अति बल बांकुरा, वे मन में जरा भी नहीं झिझके, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की डर, किसी प्रकार का संताप और किसी प्रकार का कोई भय उनके अंतर्मन में नहीं था। उठे सभा सद कभी कभी देखी, अंगद को देखते ही सब सभासद वहाँ पर खड़े हो गए, देखने लगे उनकी छवि को। रावण उर्भा क्रोध विशेषी, यह देखा रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।
रावण के पुत्र को भी मार डाला और अनेक प्रकार से रावण जो है पहले ही रावण को पता चल गया कि मेरी अब मृत्यु निकट आई है। और ऐसे जो है बार बार रामचंद्र जी मर्यादा के अनुरूप देखे, अनेकों बार ऐसे प्रकार के प्रसंग हैं तुलसीदास ने वर्णन किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहीं पर भी अवहेलना के पात्र के रूप में कार्य नहीं किया है। रावण की मौत उन्होंने ऐसे नहीं किया है। जब हजारों बार उन्होंने संदेश भेजे, हजारों दूतों को भेजा, हजारों क्रियाएं की, मंदोदरी के मन को भी हृदय परिवर्तन करके रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो बुरा उनकी तरफ होता है, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। यही जो है रावण की अंतकरण हुआ। तो जथा मत गज दूत महू पंचानन जा चली जाए, जैसे मत वाले हाथियों के झुंड सिंह निशंक होकर चला जाता है, को किसी प्रकार का भय और संताप नहीं रहता है। राम प्रताप सुमिर बनो वैश्वास सुनो, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में धारण करके, हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करके, निर्भय निडर निर्भीक होकर सभा में सिरमुरा कर बैठ गए। तो अंगद जो है अपना वहाँ पर गए और अनेक प्रकार के भाव उन्होंने वहाँ पर कहे। तो कह दशकंड कवन दे मंदर में रघुवीर, दूत दशकंदर मम जान के ही तो ही रही मिताई तब हित कारण आयुष भाई। तो रावण ने कहा कि अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा हे दशगीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ, मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, बाली की मित्रता थी, और इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। यानी बाली से रावण की बहुत ही मित्रता थी, तो मित्र की बातें, मित्र के पुत्र की बातें सुनने के लिए मर्यादा रामचंद्र ने सोचा कि अंगद की बात से मान जाए। उत्तम कुल कुल अस्थि कर नाती शिव बिरंग चिकुल, यही सब बातें। तब उन्होंने कहा तुम्हारा कुल उत्तम कुल के तुम हो, रावण जो है उत्तम कुल के थे, पुलस्थी ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव बिरंग चिकुल जम बहु भांति, और शिवजी को और ब्रह्मा जी तुमको बहुत प्रकार से पूजा की है, और बर पाए सुखी नौ पर गाजा, और उनमें बर तुमने बहुत वरदान प्राप्त किए हैं, सच काम सिद्ध किए हैं, जीते उन लोकपाल सो राजा और लोकपालों और सौ राजाओं को तुमने जीत लिया है, पूर्ण रूप से प्रशंसा की। रावण ने जिस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उस समय उस परिस्थिति में जो कार्य किए उसका अंगद जी ने पूरा वृत्तांत कहा। और नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियाण हूँ सीता जगदम्बा, तब राजमत से यानी अहंकार के कारण और जो राजा जो राज्य का जो मद अभिमान उनको प्राप्त हुआ, मोह के वश में तुम आ गए हो, जगत जननी सीता को तुम हर लाए, ये तुमने अनाचार अत्याचार किया है, नीति के विरुद्ध काम किया है। हरियाण हूँ सीता जगदम्बा, और अब शुभ कहा सुनो तुम, अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हितकारी सलाह सुनो और उसके अनुसार चलेंगे तो प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध समय को थोड़ा परमात्मा तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा कर। इतना मतलब समय देने पर भी, इतने बार याचना करने पर भी, इतने दूर भेजने पर भी, रावण को इस प्रकार से तरह तरह की बातें समझाने पर भी, दर्शन गाँव तुम कंठ पुढ़ारी परिजन सुंदर नारी सारे जनक सुधा करी आ गई, यही भी चरम भय के आ गई, यानी दांतों में तिनका दबा और गले में कुल्हाड़ी डाल, यानी दशन गयों तरण कंठ कुठारी परिजन सहित संगन डाली और कुटुंब सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके जा सादर जनक सुधा करी आ गई, यही भी चरम भय आ गई, इस प्रकार भय छोड़कर और चलो और इसी में तुम्हारा हित है, इसी से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। तृणतपा लोग वंश बनी त्राय त्राय अब, और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए। तब वह याचना करते हैं कि रावण को बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, और आरत गिरा सुनर प्रभु अभय करे गो तो, और रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो
रामचंद्र जी की इस प्रकार से अगर तुम आराधना करोगे और अपनी गलती को स्वीकार करोगे और जो भी तुमने गलती है उसके लिए क्षमा याचना करोगे, तो आर्थ पुकार और वास्तविक अंदर अंतर मन से अगर तुम इस प्रकार से मर्याला कृष्ण भगवान राम का पुकार करोगे तो तुमको निर्भय कर देंगे, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इस प्रकार की बातों को और रावण के हित के लिए मंदोदरी के बाद जो है अंगद को फिर मर्यादा विष्णु भगवान राम ने मर्यादा और नीति की मर्यादा को संपूर्ण पूर्ण करने के लिए, मर्यादा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, कोई गलती न हो, ऐसे विचारों को वाली और रावण की जो मित्रता थी उस मित्रता के परिणाम स्वरूप अंगद जी को वहाँ भेजा और अंगद जी ने तर्क संगत बातें करके रावण के हित की बात कही और वही हित की बातों से उन्होंने सीता जी को देने का काम किया और अभी भी उनको इस प्रकार का मौका दिया। बार बार जो दोस्तों इस प्रकार के अवसर रावण को मिले फिर भी उसका ज्ञान के कपाट खुलते नहीं हैं, अंधकार के अब कपाट उसके बंद रहते हैं। तो अब दोस्तों इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श और जो मर्यादा है वह इस संसार में हमेशा के लिए किस प्रकार के कार्य तुलसीदास ने किस प्रकार का सुंदर चित्रण किया है, कितने अवसर रावण को दिए, इस प्रकार के अवसर देना भगवान का ही आशीर्वाद है। जो दुष्टों को अनीति और अत्याचार करने वालों को बार बार परमात्मा सद्बुद्धि के लिए इस प्रकार से ज्ञान के आचरण को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के पवित्र भावों का संचार करते हैं, अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करके सदमार्ग की तरफ प्रेरित करने का काम करते हैं, ये केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का शक्ति थी। उन्होंने किसी प्रकार की अवहेलना से दूर होने के लिए रावण को बार बार इस प्रकार के अवसर दिए। तो दोस्तों हमारे जीवन में धैर्यता संयम है, धीरता है, धैर्य है और मर्यादा के अनुकूल चलना है। ये भाव, ये गुण, ये चीज़ें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से मानस से सुनते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद करते हैं। सबके मंगल और शुभकामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में अंगद जी ने जिस प्रकार से रावण को शुद्ध बुद्धि, ज्ञान बुद्धि और विवेक का जो भाव दिए और दांतों में तिनका दबाओ कहा, गले में कुल्हाड़ी डालो, कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो और शरणागत के पालक करने वाले रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए और रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो और आर्थ पुकार सुनते ही गुरु तुमको निर्भय कर देंगे, इस प्रकार के भावों से संचित किया। दोस्तों आज के प्रसंग का इतना, सब लोग सुखी सुख सुन रहे हैं, खुश रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते हैं।